नमस्कार स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप खुद क्रिएट करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से पहले के वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर आई का आइकन जो बना हुआ है, आप क्लिक करके इससे पहले के वीडियोस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड्स क्या है 12 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि क्यूब की साइड्स कैसी होती है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। क्यूब की सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। क्लियर है ये। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने इसको इसकी वॉल्यूम निकालना, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, उसमें से 8 क्यूब्स काट के निकालना। इसमें से इसके वॉल्यूम में से 8 इक्वल क्यूब्स काट के निकालना है। आपको ये बताना है कि वह जो 8 इक्वल क्यूब्स है उसकी वन साइड क्या होगी, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट वन साइड ऑफ बिगर क्यूब बी इज इक्वल टू ए, और ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो भैया यहाँ पर आप लिखोगे दी वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, the volume of bigger cube is equal to a whole cube, then 12 whole cube centimeter cube, 12 multiple by 12 multiple by 12 centimeter cube, 12 12 जा 144 और 144 12 जा 1728 होता है, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब ये बिगर का हो गया। आपको कितने काटने इसमें से 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल टू 8, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, अ स्मॉलर क्यूब, क्यूब्स नहीं होगा यहाँ पर, ऑफ और स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स या स्मॉलर क्यूब्स लिख दीजिए, अपने नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। स्मॉलर क्यूब्स, बिगर क्यूब्स के लिए कितना है 1728 और ये डिवाइड कर दीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 216 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। 1728 को डिवाइड करिए 8 से तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब वन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब आपको फाइंड करना है, वन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ वॉल्यूम, क्यू रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यू रूट कितना है 216, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको ये पता लग गया कि वन साइड की जो वॉल्यूम होगी, वन साइड जो स्मॉलर क्यूब कटेगा उसका वन साइड कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। जो 8 वॉल्यूम्स, 8 साइड्स होंगे, सॉरी जो 8 क्यूब्स होंगे उनकी एक एक साइड कितने की होगी 6 सेंटीमीटर की होगी, राइट। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, ऑफ अ बिगर क्यूब अपऑन सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर क्यूब, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब 6 × 12 × 12 क्योंकि होता है 12 होल स्क्वायर, ठीक है ना, 6a होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 6a होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, चलो कर देते हैं इसको भी। यहाँ पर 6a होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। देन 6 12 इंटू 12 6 इंटू 6 इंटू 6 6 2 12 एंड 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 अपान 1 इज इक्वल टू 4:1। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको विगर वॉल्यूम निकाल लेना है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जानते हो कि आपको 8 इक्वल क्यूब्स काटने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब जानने के लिए वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब डिवाइड कर दीजिए, 260 आएगा। और वन साइड जानने के लिए क्यू रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, तो 216 का क्यू रूट 6 होता है। आप उसको निकाल लेते हो। अब आपके पास ये पता है कि वन साइड 12 है बिगर की और स्मॉलर की 6 सेंटीमीटर है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया जानने के लिए सरफेस एरिया बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब 6a होल स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसको a1 मान लेते हैं तो यहाँ पर जो वन साइड होगा उसको हम a2 मान लें, तो यहाँ पर a2 कर लीजिए, a1 होल स्क्वायर a2 होल स्क्वायर, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे और 4:1 आएगा। इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक्स टू वॉचिंग।